लॉकडाउन के बाद सब में अच्छी पहली पिक्चर देखने को मिली है और दिल बहुत खुश हो गया है। इस पिक्चर में मुझे सस्पेंस बहुत अच्छा लगा और विलन का काम बहुत ही अच्छा लगा। चलिए धन्यवाद। लॉकडाउन के बाद सबने पहला पिक्चर मैंने ये देखा है शुभ रात्रि, और ये पिक्चर बहुत ही अच्छी बनी है और माइंड एकदम फ्रेश हो गया, और इस पिक्चर में सस्पेंस ज़्यादा है और विलन का काम बहुत ही अच्छा लगा, और ये पिक्चर चलनी तो चाहिए अच्छी। ओके, 5 स्टार में से कितने स्टार देना चाहोगे? 5 स्टार में से कम 5 के ऊपर ही देना चाहता हूँ। सर फिल्म तो बहुत ही बेहतरीन बनी थी, और खास करके जो सस्पेंस को जो क्रिएट किया गया था, जो इन बिटवीन के अंदर जो बताते थे, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से शूट किया गया था, और जो मैम ने वर्क किया या राहुल सर ने जो वर्क किया, इट इज़ सुपर। स्टार कितना देना चाहोगे? सर मैं तो 5 स्टार ही देना चाहूँगा, क्योंकि परफॉर्मेंस वाइज मैम भी इज गुड, राहुल सर इज गुड, और जो मेन कैरेक्टर जो हीरो ने निभाया, दैट इज़ ए बेटर। थैंक यू। सर पिक्चर बहुत ही अच्छी है, एकदम सस्पेंस थ्रिलर है, एक्शन है उसमें, हर तरह से पिक्चर बहुत ही अच्छी है सर, और इसमें हर कैरेक्टर हर आदमी ने बहुत अच्छा निभाया है, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग सब जाके वहाँ देखें, और वेरी एंटरटेनिंग। थैंक यू। पहली मूवी, एक मिनट, लॉकडाउन के बाद ये पहली मूवी है और मूवी बहुत ही अच्छी है, इसमें हीरोइन का कैरेक्टर भी बहुत अच्छा है, और हीरो का और विलन का, और इसके सॉन्ग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा लगा, वो भी बार बार देखने का मन कर रहा है। थैंक यू। लॉकडाउन के बाद ये फर्स्ट पिक्चर हमने देखी है, बहुत अच्छा लगा थिएटर में आके, और ये पिक्चर जरूर देखनी चाहिए, इसमें फुल एंटरटेनमेंट है, सस्पेंस है, सब एक से एक थैंक यू। शिवरात्रि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैकेज है पूरा हर तरीके से, इसमें जो हीरोइन ने काम किया बहुत ही अच्छा काम किया, एक्शन भी किया उन्होंने, डांसिंग भी किया, कॉमेडी भी किया, बहुत ही अच्छा पैकेज है, मूवी हमें बहुत अच्छी लगी, स्टार्टिंग से क्या अच्छा लगा, बहुत अच्छी मूवी, बहुत अच्छी थी, राजलक्ष्मी ने बहुत अच्छा काम किया है, और गाने बहुत अच्छे हैं, जितने भी गाने हैं ना, गाने बहुत एकदम बेस्ट गाने हैं, और फैमिली के साथ भी आप ये मूवी देख सकते हो, बहुत अच्छी लगी मूवी। आपको कैसे लगी? सुपर हिट जाएगी, बहुत अच्छी पिक्चर लगी, खास करके जो कितने पैसे दिए हैं बोलने के लिए, मैंने किसी ने पैसे नहीं दिए, खास करके जो मारने का प्लान बनाया वो सबसे बेस्ट था। थैंक यू सो मच। अनिश जी, शुभरात्रि आपने देखा, कैसी लगी फिल्म और क्या कुछ कहना चाहोगे? इंटायर पूरी फिल्म कैसी रही और कितना एंटरटेन किया आपने? पूरी फिल्म के बारे में यही बोलना चाहूँगा कि बहुत अच्छी फिल्म बनी है, अकॉर्डिंगली मैं अगर देखने जाऊँ तो, क्योंकि कोविड के बाद ऐसे वक्त पे फिल्म रिलीज़ होना, जबकि एक तरफ सूर्यवंशी इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर है, और दूसरी बात है बंटी और बबली 2, उसके साथ में हमारी अगर फिल्म रिलीज़ हो रही है, बींग अ कोरियोग्राफर और बींग एन ऑडियंस, तो मैं समझता हूँ कि फिल्म मेरे लिए बहुत अच्छी लगी मुझे, और एंटरटेनमेंट रही, और दूसरी बात है बहुत कटिंग पॉइंट्स थे इसमें, तो इट्स रियली वेरी वंडरफुल, राहुल जी एंड कर्णिका जी हैज डन अ वेरी गुड कैरेक्टर इन दिस। ओके, थोड़ी देर गाने की अगर बात करें तो कितना एंजॉय किया आपने, गाने कितने? हर सेट पे मैं कोरियोग्राफी में एंजॉय कर रहा था, मुझे ऐसा लग ही नहीं था मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सारे टेक्नीशियन अच्छे थे हमारे, दूसरी बात मुझे सारा सपोर्ट मिला, और जो टेक्निकली मुझे चीज़ चाहिए था, ठीक है, जैसा मैंने जो कैमरा मांगा, जो फॉर्मेट मांगा, जिमी जी मांगा, सारी चीज़ें मुझे मिली। चलिए विश्व, थैंक यू सो मच। पब्लिक बहुत सीटियाँ उटियाँ बजा रही थी, और कितनी खुशी हो रही है जब उनके बीच बैठ के आप देख रही थी फिल्म और सीटियाँ बज रही थी, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने परफॉर्मेंस को लेकर? मुझे मैं इस दिन का बहुत दिन से इंतज़ार कर रही थी कि लॉकडाउन जल्द से जल्द खुले और थिएटर में पिक्चर रिलीज हो, और आज जब मैंने सब देखा पब्लिक का रिएक्शन, तो मुझे बहुत मज़ा आया, जितना काम करके नहीं मज़ा आया उससे कई ज़्यादा मुझे सबका रिएक्शन देखकर, और सब लोगों ने मेरे काम की इतनी तारीफ की, इसलिए मैं अपने सारे ऑडियंस को थैंक यू सो मच ये बोलना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन में जहाँ लोगों की फिल्में थिएटर तक नहीं पहुँच रही हैं,
आपकी ऑल इंडिया रिलीज हुई है, ये खुशी की बात है, क्या कुछ शेयर करना चाहिए? ऑब्वियसली बहुत खुशी की बात है, आज भी ऐसे बहुत सारी फिल्में हैं जो लॉकडाउन की वजह से बैक टू बैक वेट कर रहा है, बट हमारी मूवी को मिल गया रिलीजिंग डेट और ऑल ओवर इंडिया रिलीज़ हुई मूवी तो, और उनको सब जगह से रिव्यू भी बहुत अच्छा आ रहा है, और कुछ ऐसे सुनने में आया शायद ऑडियंस को पब्लिक को बहुत अच्छी लगी थी, तो उनका शो उनको बढ़ाना है, तो ये सारी मतलब गुड न्यूज़ है हमारे लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सूर्यवंशी को टक्कर दे रही है आपकी फिल्म, शुभरात्रि। थैंक यू सो मच, आपने कहा, देखिए वो बहुत बड़ी फिल्म है बट उसके सामने अगर हमारी फिल्म अगर ऑडियंस को पसंद आई तो मैं सारी जनता को यही बोलूँगी थैंक यू सो मच, आप जाइए और आपके सारे फैमिली फ्रेंड्स सबको लेकर जाइए फिल्म आज, एक आज बार देखिए। आज की रात्रि कैसी होगी आपकी, शुभ रात्रि आज की कैसी होगी? ऑब्वियसली बहुत शुभ होगी। चलिए विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और ऑल इंडिया में ये रिलीज हुई बड़ी बात है, लॉकडाउन के बाद बहुत लोग दिनों के बाद घर से बाहर निकल रहे हैं और शुभ रात्रि को एंजॉय कर रहे हैं, कैसा क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बात को लेकर? सर देखिए क्या होता है कि अभी इस समय में फिल्म को रिलीज करने का दो रीज़न है, एक तो दो ढाई साल के बाद लोग घर से बाहर निकल रहे हैं तो उन्हें ये नहीं समझ पाएगा भाई छोटी फिल्म क्या है बड़ी फिल्म क्या है, ठीक है ना, तो इन्जॉयमेंट तो सबको करना चाहिए, और मेरी फिल्म में जो है कोई मतलब ऐसा कॉमेडी भी है और सस्पेंस है और मर्डर मिस्ट्री टाइप की फिल्म है जस्ट लाइक महेश भट्ट, तो मुझे तो अच्छा लगा और लोगों का मुँह से सुना पब्लिक रिव्यू भी देखा मैंने तो अच्छा लगा मुझे। दीपिका में जो एक्ट्रेस है वही अगर देखा है तो हीरो है क्योंकि उन्होंने सब कुछ किया है, रिवेंज का जो स्टोरी है उनका रिवॉल्व करता है, क्या कहना चाहिए उनके बारे में? नहीं एक्चुअली वो बहुत शातिर लड़की है, उन्होंने जो रोल प्ले किया मैं तो शॉकिंग रह गया, मैं एक्शन कट बोलने के चक्कर में शॉकिंग रह गया कि मतलब ये सारे मेरे सारे क्रू मेंबर्स बोलते थे कि बड़ी बड़ी लाइनें इनको दी जाती थी तो सारे क्रू मेंबर बोलते थे कि यार कर्णिका मैम का तो टेंशन नहीं है, कर्णिका मैम एक ही बार में टेक दे देंगी, लेकिन अगर टेंशन है किसी का तो बाकी लोगों का टेंशन है, लेकिन मैं भी सोचता था कि एक्चुअली मैं खुद कन्फ्यूज रहता था कि चार बार एक्शन कट बोल के और कर्णिका मैम का कौन सा सीन मुझे रखूँ, एक्चुअली उनके सारे सीन अच्छे लगते थे। और शाहिद माले को कास्ट किया आपने, उसकी पीछे वजह क्या रही है? शाहिद माले को कास्ट किया उसके पीछे ऐसा कोई वजह नहीं है, वो एक सिंगर है और वो बड़ा सिंगर रह चुका है और वो जो है हमारे फिल्म के अंदर उसने एज ए सिंगर सॉन्ग भी गाया हुआ है, तो ऐसे ही मजाक मजाक में बात चली और वो आए तो बोले सर ये गाना बहुत अच्छा है क्या इस पर मैं पिक्चराइजेशन कर सकता हूँ, तो मैंने कहा आप पिक्चराइजेशन क्यों करना चाहते हैं, आप मेरी फिल्म के अंदर हीरो बन जाइए ना भाई, आपने इतना हिट गाना गाया तूने मारी इटिया तो दिल में बजी घंटिया, तो मजाक मजाक में मामला सीरियस में हो गया, फिर सेकंड डे मैंने उनके साथ एग्रीमेंट किया, बट ओके उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मैं उनके काम से मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ, मैं मुझे बहुत बहुत मजा। आगे क्या करने वाले हैं, आगे क्या सरप्राइज आने वाले हैं? आगे अभी देखिए मैं एज ए डायरेक्टर नहीं करना चाहता कुछ, आगे जो है मैं अभी मेरी फिल्म अभी आ रही है जस्ट लाइक डर मूवी का सीक्वल, हमारी फिल्म का टाइटल है लव इज़ फॉरएवर प्यार हमेशा रहेगा, उसमें डर मूवी में शाहरुख खान साहब जिंदा थे, हमारी डर में जो है शाहरुख खान साहब मुर्दा है, हाँ मतलब एक जस्ट लाइक परछाई है और आत्मा है ऐसा, तो वो अभी फिल्म अभी हम शूट करेंगे नेक्स्ट मंथ ही, और अभी तेलुगु में मैंने एक फिल्म किया था आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ साल पहले एक डॉक्टर है स्कूटी उसकी ख़राब हो जाती है और उसको कुछ बदमाश लोग पकड़ लेते हैं उसको रेप करते हैं जला डालते हैं, तो उसकी बायोपिक के ऊपर मैंने फिल्म किया जय हीरो तेलुगु फिल्म, टाइटल उसका अकेला, चिरंजीवी प्रोडक्शन से प्रोड्यूस की गई है फिल्म, वो मार्च एंडिंग है अप्रैल फर्स्ट वीक में फिल्म लगेगी पूरे साउथ में, तो प्लानिंग है अभी सब चल ही रहे।